हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारे नेशनल या राष्ट्र प्रतीक है, जो नेशनल इंसिग्निया है उसके बारे में। हमारे राष्ट्र प्रतीक जैसे कि नेशनल कैलेंडर क्या है, नेशनल एनिमल कौन सा है, नेशनल एक्विटिक एनिमल कौन सा है, नेशनल फ्लैग, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, नेशनल गेम, बर्ड, फ्रूट, सिंबल, बहुत सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले और सबसे बड़ा जो हमारा टॉपिक रहेगा या सब टॉपिक आप कह लीजिए, वो रहेगा हमारा नेशनल कैलेंडर। सो नेशनल कैलेंडर देखिए, हम नॉर्मली बात करें तो क्या सिस्टम रहता है, 1 जनवरी से हमारा साल स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर पे ख़त्म हो जाता है, 1 जनवरी को फिर से नया साल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बट ये इंग्लिश स्टाइल है, जो अंग्रेज़ थे वो अपना ये सिस्टम छोड़ के गए और अब हम उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। और अगर एक्चुअल बात पूछी जाए कि चैत्र महीने से स्टार्ट होता है, चैत्र जो मंथ है वो कब पड़ता है, कौन से महीने में पड़ता है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, तो किसी को नहीं पता, ठीक है। तो बस हमें आज वही पढ़ना है, राइट। तो नेशनल कैलेंडर की हम बात कर रहे थे, बेस्ड है बेस्ड ऑन शक संवत विद चैत्र एज इट्स फर्स्ट मंथ। शक संवत में आता है और चैत्र जो है इसका पहला महीना होता है, हम भारतीय जो कैलेंडर है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। सुना होगा आपने बचपन में, अगर पढ़ा होगा जीके की पतली पतली बुक्स होती थी, उसमें आता था चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, इस तरह से। तो वो हमारे जो है राष्ट्रीय कैलेंडर के मंथ्स हैं। चैत्र के चैत्र जो है इसका पहला महीना रहता है, ठीक है। नेशनल ईयर जो हम सॉरी नॉर्मल ईयर जो हमारा नॉर्मल साल है वो 365 दिनों का होता है, लीप ईयर 366 का हो जाता है, ठीक है। तो ये स्टार्ट कब होता है, अब ध्यान से सुनिएगा, थोड़े थोड़े कन्फ्यूजन्स यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। ये स्टार्ट होता है 22 मार्च 1957 को स्टार्ट हो गया था, ठीक है। 22 मार्च 1957 को स्टार्ट हो गया था। फाउंडेड बाय कनिष्क, किसने फाउंड किया था, कनिष्क ने फाउंड किया था। कनिष्क कौन थे, कुषाण डायनेस्टी के रूलर थे, 78 AD के आसपास ये राजा थे। अब जो ये नेशनल कैलेंडर है कहाँ कहाँ यूज़ होता है, यूज्ड इन न्यूज़ ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो का जो न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग है उसमें हम राष्ट्रीय लेवल का जो कैलेंडर है उसी को यूज़ करते हैं। गैजेट ऑफ इंडिया, कैलेंडर्स इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इसके बाद बोल रहा है कि एक कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, एक कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी आई थी 1957 में बनी थी, मेघनंद साहा के अंडर, CSIR के अंडर। यह काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, अगर पता ना हो तो, उसके अंडर एक कमेटी बनी थी, मेघचंद शाह थे उसके जो चेयरमैन या हेड कह लीजिए आप। तो इन्होंने क्या कहा कि एक चैत्र 1879 को हमारे जो राष्ट्रीय कैलेंडर ये स्टार्ट होता है, लेकिन वो पड़ता है 22 मार्च 1957 को। अब समझिएगा आप, 22 मार्च 1957 को पड़ता है एक चैत्र 1879। जैसे हम बोलते हैं ना, अरे 1 जनवरी को तो सोमवार था, अब तो पूरा साल ही वर्किंग रहेगा, बोलते 1 जनवरी को सोमवार था, वैसे ही 22 मार्च 1957 को पड़ता है 1 मार्च 1879। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। फर्स्ट चैत्र फॉल्स ऑन 22 मार्च, नॉर्मली जितनी भी जैसे 22 मार्च आती है ना साल में, तो वो चैत्र की पहली डेट होती है, ठीक है। इन लीप ईयर 21 मार्च को आ जाएगी, ठीक है। तो नेशनल कैलेंडर थोड़ा सा जो है डिप्लोमेटिक सा है, इसमें भूल जाते हैं, बट जिस तरह से मैंने नोट्स बनाए आप इस तरह से नोट्स बनाएंगे तो आई डोंट थिंक आप भूलेंगे, तब तो काफ़ी इजी लगता है इसको पढ़ना। एंड आप चीज़ और बताना चाहूँगी, मैंने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से जो पॉलिटी है इसके हैंड रिटन नोट्स बनाने स्टार्ट किए थे, अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं, जैसे कि एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया हो गया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो रह गई हैं, बट उनको भी हम धीरे धीरे कवर करेंगे। तो अगर आप उन सब में जो मेरे मैंने नोट्स की वीडियोस अपलोड की हैं, अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, उस लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे मेरी सारी की सारी पॉलिटी हैंड रिटन नोट्स की वीडियोस आपके सामने अपीयर हो जाएंगी। फिर आप उन नोट्स की हेल्प ले सकते हैं अपने नोट्स बनाने में या अपनी फर्दर स्टडी करने में। फाइन, तो हम बात कर रहे थे नेशनल एनिमल की। नेशनल एनिमल कौन सा है हमारा, टाइगर है। साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथेरा टिग्रिस। इस तरह के क्वेश्चन सब आते हैं, ये कभी नहीं आपसे पूछेंगे नेशनल एनिमल कौन सा है, हमारे नेशनल एनिमल का साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। नेशनल एक्वाटिक एनिमल, नेशनल एक्वाटिक एनिमल कौन सा है, रिवर डॉल्फिन है जो गंगा में पाई जाती है, इसे प्लैटरहिस्टा गंगेटिका भी कहते हैं, ठीक है, साइंटिफिक नेम है। फिर है नेशनल बर्ड कौन सा है हमारा, पीकॉक है। पीकॉक का साइंटिफिक नाम क्या है, पावो क्रिस्टेटस, ठीक है। फिर नेशनल फ्रूट कौन सा है, मैंगो है, इसका नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। ये मैंने आगे पीछे लिख दिए हैं, ये आपको MI करके लिखना है, मैग्नीफेरा इंडिका, राइट। करेंसी सिंबल क्या है हमारा, ये रुपीस का ये वाला साइन हमारा करेंसी सिंबल है। कब अडॉप्ट किया गया था, 15 जुलाई 2010 में। डिज़ाइन किसने किया था, उदय कुमार ने, जो IIT बॉम्बे से। क्वेश्चन यहाँ से आता है इसलिए मैंने हाईलाइट किया है कि जो हमारा करेंसी सिंबल है किसने डिज़ाइन किया है,
उदय कुमार जी ने डिज़ाइन किया है। नेशनल फ्लावर क्या है? लोटस, लोटस को आगे कहते हैं। साइंटिफिक नेम क्या है? निलंबो न्यूसीफेरा गियर्टन। ठीक है, हल्का हल्का सा पढ़ते भी रहेंगे ना, याद करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे ऑप्शन से आइडिया लग जाता है। ठीक है, फिर है नेशनल ट्री क्या है? हमारा बनियान ट्री है, जिसको कहते हैं फिकस बेंगलेनिस। ठीक है, नेशनल रिवर क्या है? गंगा। राइट, अब ये हो गया, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। फाइन, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारी आती हैं, नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम। नेशनल सॉन्ग क्या है हमारा? वंदे मातरम। नेशनल एंथम क्या है हमारा? जन गण मन। बस अब इसी के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, वो किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, 1882 में लिखा था, एंड इज मेंशन्ड इन हिज उपन्यास आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास था आनंद मठ, वहाँ पे ये मेंशन्ड है अच्छे से, जो कि 1882 में उन्होंने लिखा था। अब नेशनल एंथम की बात करें तो क्या है? जनगणमन हमारा नेशनल एंथम है। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। ठीक है, रिटन इन दिसंबर 1911 दिसंबर में लिखा गया था। ठीक है, उसके बाद पब्लिश किया गया था इन तत्वबोधिनी पत्रिका ऑफ ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की जो तत्वबोधिनी पत्रिका है उसमें पब्लिश किया गया था। फर्स्टली संग इन कैलकटा, सबसे पहले कब गाया गया था? कलकत्ता में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था ये सेशन में 52 सेकेंड्स का, और ये होता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि जनगणमन पहली बार तो किसने लिखा, कब लिखा गया और कितने सेकंड्स का है, सबसे पहले कब गाया गया, कहाँ गाया गया, ये क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे थे नेशनल सॉन्ग की, वंदे मातरम है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, अपने उपन्यास आनंद मठ में भी उन्होंने मेंशन किया है। साथ में अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको अब बता रही हूँ, जो नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग दोनों ही अडॉप्ट किए गए थे 24 जनवरी 1950 को। क्या अडॉप्ट किए गए थे? इसका मतलब ये है कि वंदे मातरम को हमारा नेशनल सॉन्ग चुना गया, जनगण मन को हमारा नेशनल एंथम चुना गया। कब? 24 जनवरी 1950 को। और 1896 में संग देयर इन कलकत्ता INC सेशन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। वंदे मातरम को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कलकत्ता सेशन में पहली बार गाया था 1896 में। तो ये याद रखना है कि नेशनल सॉन्ग 1896 में पहली बार गाया गया था और नेशनल एंथम 1911 में पहली बार गाया गया था। ठीक है, नेशनल सॉन्ग नेशनल एंथम आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब तो हमारा थोड़ा सा ही बचता है। अब आता है नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो देखिए, नेशनल फ्लैग जो है, क्वेश्चन हमेशा यही आता है, इसकी हाइट विड्थ कितनी है, लेंथ ब्रेथ कितनी है, बस यही क्वेश्चन आता है। तो आपको बिल्कुल रट लेना है 3:2। ठीक है जी, अगर 3:2 का मतलब है 3x/2x, मतलब अगर 30 सेंटीमीटर लेंथ है तो 20 सेंटीमीटर ब्रेथ होगी। ठीक है, नाउ अशोक चक्र स्पोक्स 24 रिप्रेजेंट्स 24 आवर्स। देखिए, ये कलर्स का तो आपको पता ही है, सबसे ऊपर सैफ्रन है यानी केसरिया, बीच में वाइट है यानी कि सफ़ेद, और सबसे नीचे ग्रीन है यानी हरा। तो जो वाइट वाला कलर है, जो बीच वाला कलर है, उसमें एक अशोक चक्र बना है जिसमें इस तरह से 24 लाइंस हैं, तो उनको 24 स्पोक्स बोलते हैं और वो 24 घंटों को दर्शाती हैं। अडॉप्ट कब किया गया था हमारा नेशनल फ्लैग? तो ये किया गया था 22 जुलाई 1947 को, और 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग डे भी मनाया जाता है। डिजाइनर कौन थे इसके? वेंकैया नायडू। अब मुझे ये बताइए कि करेंसी सिंबल हमने पढ़ा, उसको डिजाइन किसने किया था? उदय कुमार ने किया था फ्रॉम IIT बॉम्बे। और नेशनल फ्लैग को किसने किया था? वेंकैया पिंगले जी ने किया था। ठीक है, नेशनल गेम क्या है? हॉकी है। गोल्डन ईरा ऑफ हॉकी इन इंडिया। इंडिया में जो गोल्डन ईरा है हॉकी का, वो किसको माना जाता है, सॉरी किस टाइम पीरियड को माना जाता है? 1928 से 1956 का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेशनल इंसिग्निया वाला पार्ट कंप्लीट। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहा है और आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। फिर भी आपको कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगी। एंड एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मैं अपने चैनल पे HPGK के नोट्स, जनरल स्टडीज़ के नोट्स की वीडियोज़, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड जो लेसन प्लान्स होते हैं फॉर JBT और DLED, वो सब अपलोड करती हूँ। तो अगर आप इस तरह की वीडियोज़ देखने में इंटरेस्टेड हैं, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड दैट्स इट गाइस, सी यू सून।